हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सनोफी लिमिटेड पे कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो सनोफी लिमिटेड के, तो आपको ये होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो आप वीडियो को एंड तक, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल डे टू डे आपको सारी न्यूज़ देता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। सनोफी इंडिया लिमिटेड किसमें एंगेज्ड है? तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है, खुद ही बनाता है और बेचता है। तो ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ही एंगेज्ड है और दूसरा इसका कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका सेक्टर का पीई है 40.02 और कंपनी का 39.87। अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो कंपनी का पी सेक्टर के पी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर आप इसके 5-year हाई से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी आप इसमें डाल नहीं सकते हो पैसा या ख़रीद नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप इसका ग्रोथ, सेल्स, रेवेन्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कंपनी सही प्राइस पे है। अभी उसको जिस प्राइस पे होना चाहिए उस प्राइस पर है, ओवर वैल्यूड नहीं है। अब बात करते हैं सेक्टर का पीबी, वो है 4.87 लेकिन कंपनी का पीबी है 7.79। अगर आप बुक वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो ये कंपनी आपको थोड़े से महंगे भाव पे मिल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड है 4.41%, मतलब जो कंपनी का प्राइस है उसका 4.41% कंपनी डिविडेंड देती है, और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.51%। जैसे कि अभी सनोफी लिमिटेड ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो पर शेयर 365 रुपीज़ एज ए डिविडेंड दे रही है, और अप्रैल में देगी, अप्रैल 2021 में वो अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगी। ये कंपनी मिड कैप है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,045 करोड़ का है और मार्केट में इसका रैंक 188 नंबर पर आता है। अगर आप 20 डे एवरेज डिलीवरी देखते हो तो 20,589 शेयर्स लोगों ने उठाए हैं, ये भी एवरेज है 20 दिन का, और इसका बीटा है 0.26। अगर आप देखोगे बीटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10% मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 2.6 के बीटा से, मतलब 2.6% ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट 10% नीचे जाता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी 2.6% नीचे आएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। यहाँ पे हमने 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड बताया जहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट बताया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 3 साल से इंक्रीज हो रहा है, 2017 से 2019, लेकिन 2020 में 5% रेवेन्यू नीचे आ गया, 5% का डाउनफॉल देखा गया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो हर साल इंक्रीमेंट, और 2019 से 2020 देखें तो 15% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब कंपनी का रेवेन्यू नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट कैसे ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट को भी नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है तब ये चीज़ होती है। तो जब प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, तो कंपनी का सेल्स नीचे आ गया है, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा ही, तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्राइस इंक्रीज किया गया था। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग से 60.39%, म्यूचुअल फंड से 11.58%, DIIs 5.81%। जैसे कि देखोगे म्यूचुअल फंड्स 11.58% है, लेकिन हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी हर क्वार्टर में होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो 11.53% है, और पिछले क्वार्टर में 12 point something percentage उनका
होल्डिंग था, तो FIIs ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज किए। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है 10.66%, मतलब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग 10.66% है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है 60.39% का। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। यहाँ पे हमने क्वार्टरली 3 क्वार्टर का रेवेन्यू स्टेटमेंट बताया, जहाँ पे सेल्स है जून 2020 में 710 करोड़ का और सितंबर 2020 में वो डिक्रीज होके 686 करोड़ पे आ गया है, लेकिन दिसंबर में फिर से सेल्स इंक्रीज हो गया 720 करोड़ पे आ गया। तो मेन रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, टोटल इनकम जो टॉप लाइन है कंपनी की वो दिसंबर 2020 में 736 करोड़ की थी और सितंबर 2020 में 701 करोड़ की। लेकिन आप टोटल एक्सपेंडिचर्स देखते हैं और उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो सितंबर 2020 में 186 करोड़ का था और दिसंबर 2020 में 170 करोड़ का। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी का सेल्स सितंबर 2020 में कम था और दिसंबर 2020 में ज़्यादा था, उसके बावजूद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिसंबर में कम है एज़ कंपेरेटिव टू सितंबर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्रीज हो गए उस वजह से। तो जो नेट प्रॉफिट आता है, जो बॉटम लाइन है कंपनी की, वो जून 2020 में 136 करोड़ की थी, जो हर क्वार्टरली डिक्रीज हो रहा है 132 करोड़ एंड देन 123 करोड़ का। तो अगर आप बॉटम लाइन देखते हो तो उससे एक नेगेटिव भी आता है, क्योंकि कंपनी का हर साल जो बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है और पिछले 4 साल से नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा था। तो अब देखते हैं कि ये क्वार्टर में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। जैसे कि कंपनी ने इस बार डिविडेंड बहुत ही अच्छा डिक्लेयर किया है, तो हो सकता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा होगा। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो यहाँ पे हमने 3 साल का रिटर्न रेशो बताया हुआ है, जैसे 2017 में रिटर्न ऑन इक्विटी था 16.08%, 2018 में वो इंक्रीज 17.15% और 2019 में 16.95%। तो कंपनी का मतलब अगर 15-20% के बीच में अगर वो रिटर्न ऑन इक्विटी ला रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए, मतलब कंपनी अपने इक्विटी से बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर पा रही है, लेकिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी वहीं पर स्टक हो चुका है, तो अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव साइन देगा कंपनी। ROC धीरे धीरे हर साल कंपनी इंक्रीज कर रही है, वो भी थोड़ा थोड़ा 23.69, देन 25.86 एंड देन 25.95। तो कंपनी का हर साल ROC इंक्रीज हो रहा है। ROC मतलब एक तरह से EBITDA, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मेन इनकम होती है कंपनी की वो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के जो भी एसेट्स है उस पर रिटर्न हर साल इंक्रीज हो रहा है, जैसे 11.73%, देन 12.75%, देन 12.76%। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो है कंपनी का, कि कंपनी के पास कितना डेट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास 0% डेट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, 468.82% से 872.14%, देन 2,198.33%। इट मींस कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोचो कि इंटरेस्ट कहाँ पे कर रही है जब कंपनी के पास डेट नहीं। ज़रूरी नहीं है कि डेट वो लॉन्ग टर्म डेट वाला, लाइक शॉर्ट टर्म डेट्स भी होते हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे डेट्स भी होते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और कंपनी जो इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है यहाँ पे कंपनी, मतलब कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो बहुत ही अच्छी है, उसी वजह से यहाँ पे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है। तो बात करते हैं मार्केट प्राइस की। जो करंट मार्केट प्राइस है वो 8,269.72 रुपीज़ है और यहाँ पे ये फ्राइडे को कंपनी 1.54% ऊपर थी, 125.60 रुपीज़
का प्राइस मोमेंटम था, मतलब इंक्रीज हुआ है उसके पिछले दिन से, और 5 ईयर हाई देखोगे तो 8,989 रुपीज़, मतलब ये अपने 5 ईयर हाई के कुछ 400 से 500 रुपये नीचे बहुत ही ज़्यादा पास में आ चुका है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, आपने ऑलरेडी सनोफी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अभी भी इसमें टिके रहना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी में ग्रोथ दिख रही है वो बहुत ही अच्छी है। ये कंपनी 10,000-11,000 तक जा सकता है, मतलब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वहाँ तक जा सकता है, ये 1 साल या 1.5 साल तक, उससे पहले भी जा सकता है। तो आपको ये शेयर होल्ड करके रखना चाहिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको इजीली आप मतलब 1-2 दिन में आप इजीली कमा सकते हो, स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे अगर आप कर सकते हो, तो उसके लिए भी सनोफी इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है ये। तो आपको इसमें आप इसमें इजीली पैसा निकाल सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये था सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।